हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो चैप्टर 8 यूनिट 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन एनसीईआरटी योर चैप्टर 8 इज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लास्ट टाइम वी हैव कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट यूनिट एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या हैं? सो स्टूडेंट्स, यू विल सरप्राइज टू नो कि हमारे ऊपर एवरी टाइम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस गिर रही हैं। वी कम अक्रॉस दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एवरी टाइम इन आवर डेली लाइफ। आप मेरे को मोबाइल पे या कंप्यूटर पे देख रहे हैं तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से पॉसिबल है। ठीक है, आप अगर बाहर निकल के धूप में चले जाएँ तो आपको गर्मी लगने लगेगी। ठीक है, आपको गर्मी फील होगी। सो दैट इज ऑल्सो ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, आपके मान लो किसी को बोन में कोई प्रॉब्लम है, किसी को टीथ में कोई प्रॉब्लम है, तो हम क्या कराते हैं, उसका एक्सरे कराते हैं। दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो हमारे चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कमाल होता रहता है, चाहे हम मोबाइल फोन पर बात कर रहे हों, चाहे हम टेलीविजन में पिक्चर देख रहे हों, ठीक है, चाहे हम डॉक्टर के पास एक्सरे कराने के लिए जाएं, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कमाल है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है? सो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ जो प्रीवियस बातें हैं उनका रिवीजन करना होगा। और मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आई एंश्योर यू विल श्योरली एंजॉय द चैप्टर। ओके, सो बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स। सो अभी तक जितना हमने स्टडी किया है, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टडी किया, करंट इलेक्ट्रिसिटी किया, देन मैग्नेटिज्म एंड मैटर में आए, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जितने भी 7 चैप्टर्स हमने स्टडी किए हैं, उन सबका जो रिजल्ट है, उन सबका जो कंक्लूजन है, वो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको इसके एविडेंस के रूप में, मतलब ऐसा होगा, ऐसा होता है, ऐसा का बताने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि देर इज़ ए सेट ऑफ फोर इक्वेशंस विच वी हैव ऑलरेडी डन। ओके, एंड दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड मैक्सवेल्स इक्वेशंस। सो दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड मैक्सवेल्स इक्वेशंस। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैक्सवेल्स इक्वेशंस। सो दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड, सो देर इज ए सेट ऑफ फोर इक्वेशंस, दीज आर कॉल्ड मैक्सवेल इक्वेशंस। और मैक्सवेल इक्वेशंस क्या होती हैं, देखो, फर्स्ट मतलब मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेट ऑफ फोर इक्वेशंस डेवलप किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। ओके, तो पहली जो इक्वेशन थी, जो फर्स्ट इक्वेशन थी, वो है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो ये क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। रिमेंबर योर गॉस लॉ इन फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट चैप्टर में हमने गॉस थ्योरम किया था कि नहीं किया था? तो गॉस थ्योरम में क्या था कि भाई फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 upon epsilon naught टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। सो ये इंटीग्रल फॉर्म गॉस थ्योरम की है, मतलब ये फ्लक्स है ना, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है। सो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या होता है, फाइ इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। रिमेंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्लक्स आएगा कि नहीं आएगा? सो फ्लक्स फाइ इज इक्वल टू क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज अवर गॉस लॉ, बहुत फेमस है, काफ़ी एप्लीकेशन करे, एग्जाम में भी कई बार पूछा गया, तो मैं समझता हूँ कि आपको गॉस लॉ का तो आइडिया होगा। इसके बाद जो सेकंड इक्वेशन है, दैट इज गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, बट मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल जीरो होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई किसी क्लोज्ड सरफेस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल जीरो होता है। क्यों होता है, ये गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म है। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप बनाती हैं। तो अगर मैं अपनी कोई क्लोज्ड सरफेस कंसीडर करूंगा तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी उतनी चली जाएंगी। तो किसी सरफेस से अगर मैग्नेटिक फील्ड आ रही हैं और जा रही हैं, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटरिंग इनटू द सरफेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लीविंग द सरफेस, बिकॉज
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप। तो लास्ट चैप्टर में, पिछले चैप्टर्स में आपने ये क्लियरली अंडरस्टैंड किया था कि जितनी फील्ड लाइंस आएंगी उतनी ही चली जाएंगी, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म ए क्लोज लूप। तो जितनी आई और उतनी चली गई, तो टोटल कितनी एसोसिएट हुई? टोटल तो जीरो हुई ना भाई, जितनी आई उतनी चली गई। मैंने आपसे जो कुछ आपको दिया वही आपसे ले लिया, तो आपके पास तो कुछ नहीं रहा। तो जब आपके पास कुछ नहीं रहा, तो इसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स का सरफेस इंटीग्रल जीरो होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। सो दीज आर द टू इक्वेशंस गिवन बाय मैक्सवेल। फर्स्ट इक्वेशन, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q is equal to epsilon naught, so this is Gauss law in electrostatics. Second, closed surface integral of B dot ds is equal to zero, Gauss law in magnetism. Now third is closed line integral of E dot dl is equal to minus d phi by dt. अब ये क्या है? ये तो अपना फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, बिकॉज E is equal to minus d phi by dt. Phi यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया phi B. Okay, now ये क्या है? What is this? This is line integral of electric field, closed path में non conservative field है। ये ध्यान रखना, ये induced electric field है। अगर किसी surface, किसी path से related, किसी loop में अगर magnetic field change होता है, तो EMF induced हो जाता है। EMF induced होने से electric field induced हो जाता है। आप ये देखो, हमने electrostatics के chapter में किया था minus R1 to R2 E dot dr, ये किया था कि नहीं किया था? लेकिन इसका क्लोज्ड जीरो हो जाएगा, क्योंकि चार्ज का या सिस्टम ऑफ चार्जेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल है क्लोज्ड पाथ में, वो जीरो। बट ये जीरो नहीं होता, क्योंकि ये नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो क्लोज्ड पाथ के अलोंग जो इंड्यूस्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड है, क्योंकि ये मेरा जो EMF है, ये EMF कैसा है? इंड्यूस्ड। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ मेरे को इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल क्लोज्ड पाथ में, ठीक है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल क्लोज्ड पाथ में ईएमएफ के इक्वल है, और वो मेरा ईएमएफ माइनस डी फाइव बाई डी टी है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, फैराडे सेकंड लॉ। सो दिस इज थर्ड इक्वेशन। नाउ द फोर्थ इक्वेशन हैज समथिंग स्ट्रेंज फॉर यू, मे बी स्ट्रेंज फॉर यू, बिकॉज एम्पियर्स सर्किट लॉ। अभी हम यहां पर डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको याद है तो ठीक है, बाकी मैं आपको यहां बता रहा हूं, ये पिछले चैप्टर्स का, पिछली यूनिट्स का रिवीजन है। बी ए गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, फैराडेज लॉज ऑफ ईएमआई, और जो अच्छी बात है, जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो ये है कि मैं यहां पर इंटीग्रल फॉर्म में लिख रहा हूं, ये इंटीग्रल, ये इंटीग्रल, ये इंटीग्रल, ये इंटीग्रल। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एम्पियर सर्किटल लॉ कुछ याद है आपको, आप कहोगे सर थोड़ा थोड़ा याद है, और कुछ ऐसा होता था कि क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का किसी क्लोज्ड पाथ के अलोंग लाइन इंटीग्रल म्यू नॉट आई एन क्लोज्ड के बराबर होता था, बताओ होता था कि नहीं? बी डॉट डी एल की वैल्यू, मतलब अगर मान लो कोई करंट है और उस करंट को हमने एनक्लोज कर लिया किसी पाथ में, इफ़ वी हैव एनक्लोज्ड दैट करंट थ्रू ए पाथ, सो उस पाथ के अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल होगा वो किसके इक्वल होगा? वो म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट थ्रेडनिंग द पाथ के बराबर होता है। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस हैं, कुछ स्मॉल चेंज यहाँ पर है कि जो फोर्थ इक्वेशन है, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी, ये कंडक्शन करंट है। कंडक्शन करंट मतलब जो वायर में करंट होती है, जो एक्चुअल में एम्पियर्स सर्किटल लॉ में करंट थी म्यू नॉट आई सी, ये एक टर्म यहाँ पर ऐड की गई है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे, और ये पूरा लॉ है एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। सो इन दिस सेट ऑफ फोर इक्वेशंस गिवन बाई मैक्सवेल्स, सो यू आर क्लियर एक्सेप्ट दिस टर्म, जो लास्ट है एम्पियर सर्किटल लॉ में, समथिंग वॉज एडेड एंड दैट समथिंग वॉज एडेड बाई मैक्सवेल एंड दैट इज कॉल्ड एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ, और ये जो टर्म है इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो अभी मैंने आपको सेट ऑफ फोर इक्वेशंस बताया, ठीक है, और इस सेट ऑफ फोर इक्वेशंस में एक चीज को अगर छोड़ दिया जाए तो सारी चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। अब ये जो एक टर्म है ये क्या है? देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है, एम्पियर सर्किटल लॉ
को अगर मैं अप्लाई करता हूँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, बहुत ध्यान से यहाँ पर समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अच्छा कंसेप्ट है, ये मेरा कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मैं आपको बताने क्या जा रहा हूँ, मैं आपको बताने डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट, मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट एक नई टर्म है। आप कहोगे सर कभी तो आप कंडक्शन करंट बताते हो, कभी डिस्प्लेसमेंट करंट बताते हो, आपका पता नहीं लगता। भाई दोनों चीज़ें हैं ना, दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट भी होती है और कंडक्शन करंट भी होती है। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो कंडक्शन करंट के बारे में पढ़ा है, मतलब अगर बैटरी से किसी हम कंडक्टिंग वायर को कनेक्ट कर देते हैं तो उसमें करंट आ जाती है, तो वो जो करंट आ जाती है उसको बोलते हैं हम कंडक्शन करंट। अब दूसरी जो करंट होती है वो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है। डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को हम करने जा रहे हैं, उसी के लिए मैंने यहां पर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है। देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दो प्लेटें पी और क्यू, दे आर कनेक्टेड टू ए बैटरी थ्रू ए की। व्हेन की इज क्लोज्ड, की को क्लोज करने पर ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात आती है, इस वायर में करंट है तो इस वायर के पास और प्लेट के लेफ्ट रीजन में अगर मैं कोई पॉइंट पी लेता हूं और उससे पास होने वाला कोई लूप कंस्ट्रक्ट करता हूं तो वो क्या होता है, यहां पर जो करंट है इट इज एनक्लोज्ड विद इन द लूप, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, ये यहां पर अगर मैं एम्पियर सर्किट लॉ लिखना चाहूं, सो क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इन टू आई, ये आई करंट एनक्लोज हो रही है इस लूप में, सो यहां पर कितना आ जाएगा बी इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो यहां पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड निकल के हमारा आएगा, मतलब इस पॉइंट पर यहां पर ए पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगा। अब बात को ध्यान से समझना, बहुत बहुत इंटरेस्ट है, बहुत मजेदार बात है। मजेदार बात ये है कि भाई इस प्लेट के पास में किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है और इसी के बिल्कुल बाजू में, इसी के बिल्कुल बगल में, इसके बिल्कुल क्लोज पास में ये कोई पॉइंट अगर मैं बी ले लेता हूँ और इस बी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मैं ये लूप कंसीडर करता हूँ, तो जब हम कैपेसिटर की प्लेट के इधर एक पॉइंट है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम एम्पियर सर्किट लॉ यूज़ करते हैं तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ जाता है, लेकिन इसी के बिल्कुल पास में कैपेसिटर की प्लेट के दूसरी साइड में अगर कोई पॉइंट बिल्कुल बाजू में, बिल्कुल बाजू में, बिल्कुल पास में दूसरा पॉइंट लेते हैं तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो आएगा, बिकॉज यहां तो कोई करंट एनक्लोज नहीं है। तो अगर मैं अपना मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ लगाऊंगा तो करंट तो जीरो है, क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट के अंदर तो कोई करंट नहीं होता, कैपेसिटर की प्लेट के अंदर तो कोई करंट नहीं होता। जब कैपेसिटर की प्लेट के अंदर कोई करंट नहीं है तो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में तो कोई मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगा। तो अब आप ये देखो, है कि नहीं बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अजीब बात, क्या कि भाई प्लेट के पास किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है और उसी के पास दूसरे पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो दिस इज इनकंसिस्टेंसी, ये डिस्क्रिपेंसी है एम्पियर्स सर्किटल लॉ में, कि एम्पियर सर्किटल लॉ एक पॉइंट पर तो कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड है और उसी के पास जो दूसरा पॉइंट, मतलब उसी पॉइंट को भी हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अब ऐसा कैसे हो रहा है? सो इसको करेक्शन करने के लिए एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने ये बताया कि भाई प्लेटों के बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता ही है, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता ही है, कैपेसिटर की प्लेट के बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पर कोई करंट नहीं होगा, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने लगे, जैसा कि होता है, अगर मान लो मैं यहाँ पर की को क्लोज कर देता हूँ, की को क्लोज करने से कैपेसिटर की चार्जिंग शुरू हो जाएगी, कैपेसिटर की जो चार्जिंग होती है वो कैसे होती है, एक्सपोनेंशियल होती है, मतलब कैपेसिटर की प्लेट्स पर चार्ज धीरे धीरे आता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है चार्ज का, ऐसा नहीं है कि आपने की को क्लोज किया और एकदम से पूरा चार्ज डिलीवर हो गया, नहीं, चार्ज धीरे धीरे आता है, तो जब चार्ज यहाँ पर चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, कैपेसिटर की प्लेट के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सो चार्ज अगर चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन आता है सो एक नए
प्रकार की करंट, एक न्यू टाइप ऑफ करंट बिल्ड्स अप, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। तो स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुने, डिस्प्लेसमेंट करंट इज द करंट विच अराइजेज बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से जो करंट ओरिजिनेट होता है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से एक करंट जनरेट होती है, दैट करंट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट करंट। मतलब डेफिनेशन यहां पर लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट करंट इज दैट करंट विच कम्स इनटू प्ले इन द रीजन इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हेंस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा। मतलब होता क्या है, आप फैक्ट पे बात करें, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में चार्ज चेंज होगा। चार्ज चेंज होगा कैसे, टाइम के साथ, क्यू इज द फंक्शन ऑफ टाइम। चार्ज चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा। सो करंट क्या होती है, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ये तो हमें पता ही है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने स्टडी किया है कि भाई अगर चार्ज टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है तो I is equal to dQ by dt, so I is equal to dQ by dt में Q को मैंने लिख दिया epsilon not phi e, because मैं ये तो जानता ही हूँ ना, phi is equal to Q by epsilon not, ये तो गॉस लॉ है, तो गॉस लॉ phi is equal to Q by epsilon not है, तो Q is equal to phi into epsilon not, so ID is equal to epsilon not d phi by dt, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैक्सवेल ने ये कहा, जो मैक्सवेल साहब थे, मैक्सवेल साहब ने ये कहा कि भाई कैपेसिटर के जो बाहर वाला वायर है, कैपेसिटर के बाहर वाला जो रीजन है जिसमें कैपेसिटर की प्लेट वायर से कनेक्ट है, उसमें तो जो करंट फ्लो करता है वो होता है कंडक्शन करंट, और कैपेसिटर की प्लेट के बीच में जो करंट होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो जो टोटल करंट होता है, जो टोटल करंट होता है वो दोनों करंट का सम होता है, आई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई डी म्यू नॉट इन टू आई सी प्लस ID डिस्प्लेसमेंट करंट। सो ये डिस्प्लेसमेंट करंट की ये आ गई एप्सिलॉन नॉट t5 बाई dt, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट करंट ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट d5 बाई dt, और यहां पर जब मैं इसको लिखूंगा और अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो म्यू नॉट IC तो कंडक्शन करंट हो गया, प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट d5 बाई dt हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इस तरह से जो एम्पियर सर्किटल लॉ था, एम्पियर सर्किटल लॉ विच वॉज क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ b डॉट dl is equal to mu not I, that was modified as mu not IC plus ID and IT ID is written. So, मतलब क्या हुआ? There are two types of current. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो तरह की करंट होती है, एक तो करंट इन द वायर विच कनेक्ट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट, एंड करंट इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर ड्यू टू द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। सो डिस्प्लेसमेंट करंट का सिंपल सा फंडा है, कोई ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। एक लाइन में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट करंट को डिफाइन करूंगा तो क्या होगा, दिस इज द करंट विच अराइजेज ड्यू टू द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, दैट्स इट। सो यहां पर मैंने अभी आपको जो बताया, मैंने फोर सेट्स ऑफ इक्वेशन, इस सेट ऑफ फोर इक्वेशंस, मैक्सवेल्स इक्वेशंस दीज आर कॉल्ड, और डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट बताया। मैंने आपसे कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यह थोड़ा सा जानना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, देखो वेव, क्लास 11th में आ जाओ, क्लास 11th में आपने बहुत बदमाशियां की हैं और आपने कुछ कुछ पढ़ा भी है, आई एक्सेप्ट इट कि आपने स्टडी की है, और मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ। वेव क्या होता है, वेव एक डिस्टरबेंस होता है जिसमें पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं। क्या करते हैं, पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं, मतलब पार्टिकल्स का ऑसिलेशन होता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऑसिलेशन हो रहा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, ई एंड बी, ये जो दो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, दो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, यही दो ऑसिलेट करते हैं। ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, ऑसिलेशन का मतलब होता है कि रिपीटेड वेरिएशन, कोई भी चीज अगर एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट कोई ऑब्जेक्ट अगर ऑसिलेट करता है, मतलब अपनी पोजिशन को बार बार रिपीट करता है, तो वही ना ऑसिलेशन है। तो बट तो क्या हुआ, पोजीशन इज चेंजिंग। तो यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑसिलेटिंग एंड मैग्नेटिक फील्ड इज ऑसिलेटिंग। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ए वेव
in which electric field vector and magnetic field vector oscillate perpendicular to each other as well as perpendicular to the direction of propagation of wave. देखो ध्यान से देखो, मैंने यहां पर डायग्राम, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सो दीज आर द वेव्स इन विच देयर आर sinusoidal variation. साइन वेव क्या होती है? वेव इज ए साइन फंक्शन ऑफ टाइम. y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. ओके, क्लास 11th में आपने वेव का इक्वेशन पढ़ा होगा. सो अभी आने वाले टाइम में हम इक्वेशंस भी लिखेंगे. सो दीज आर द वेव्स इन विच देयर आर sinusoidal variations ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स एट राइट एंगल टू इच अदर. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू इच अदर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, ये हमें सबको पता ही है. स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट हमारा होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड. अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4πε0qr² यूज करूं और मैग्नेटिक फील्ड यूज करूं तो मेरी जो स्पीड निकल के आएगी 1/μ0ε0 निकल के आने वाली है. ये आराम से ड्राइव हो जाएगा. मैं आपको होमवर्क देता हूं कि मुझे ये ड्राइव करके दिखाओ कि स्पीड ऑफ लाइट c की वैल्यू 1/√μ0ε0 के बराबर होती है. म्यू नॉट इज द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ एयर, एप्साइलन नॉट इज द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर. सो स्पीड ऑफ लाइट विच इज 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1/√μ0ε0. दिस इज योर होमवर्क. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे इक्वल इसके हो गया. अब देखो क्या होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज ऑसिलेटिंग. इस डायग्राम में दिस इज क्वालिटेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कैसे दो कंपोनेंट के ऑसिलेट करने से, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के ऑसिलेट करने से वेव प्रोपोगेट्स इन ए डायरेक्शन. देखो माई आई हैव टेकन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग वाई एक्सेस. मतलब माई इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑसिलेटिंग अबाउट वाई एक्सेस. वाई एक्सेस ये होती है, y एक्सेस ये होती है. सो y एक्सेस के अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, जिग जिग इस तरह से कर रहा है ऑसिलेट. और मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन अबाउट z एक्सेस. z एक्सेस क्या होती है? z एक्सेस ये होती है, ये z एक्सेस होती है, ऐसे ऐसे ये z एक्सेस है. ठीक है, बाहर की तरफ ये मान लो मेरा ओरिजन है, यहाँ कहीं ओरिजन है, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है, ये नेगेटिव जेड एक्सिस है. तो ऐसे ऐसे जेड एक्सिस के अबाउट क्या हो रहा है? जेड एक्सिस के अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है. देर आर वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड अबाउट जेड एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस. और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग. तो ये ऐसे ठीक है, ये ऐसे. तो वेव कहाँ जा रही है? वेव इसके परपेंडिकुलर. देखो जेड वाई के परपेंडिकुलर और x, y और z दोनों के परपेंडिकुलर. सो आप ये देखो ऐसे, मतलब y एक्सिस ऊपर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रहा है और वेव हमारी आगे जा रही है. सो दिस इज हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू इच अदर. इसलिए मैंने इसको थोड़ा टिल्ट करके बनाया, टेढ़ा शिफ्ट कर दिया. शिफ्ट करना मतलब ये एक 3D फ्लेवर आपको देगा. 3D फ्लेवर का मतलब मैग्नेटिक फील्ड z एक्सिस के अबाउट ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस के अलोंग ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग z एक्सिस ऑसिलेटिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑसिलेटिंग अलोंग y एक्सिस एंड वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग x एक्सिस. सो दिस इज हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोड्यूस्ड एंड प्रोपोगेट. ओके, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ड्यू टू द ऑसिलेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल की वजह से, क्योंकि ऑसिलेटिंग चार्ज रेडिएट्स एनर्जी. यहां पर एनर्जी का भी कंसेप्ट आता है, क्योंकि वेव क्या होती है? वेव्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटा. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एनर्जी होती है और इक्वल एनर्जी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की. ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं. कई सारी वेव्स के बारे में तो आप जानते ही हैं. ये रेडियो वेव्स होती हैं जो हमारी कम्युनिकेशन पर्पस में यूज होती हैं. आप जो मोबाइल फोन में बात करते हैं वो रेडियो वेव्स होती हैं. माइक्रोवेव,
माइक्रोवेव, इनको डिटेल में मैं स्टडी करूंगा अगली क्लास में, हम डिटेल में इसका डिस्कशन करेंगे जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। एक और क्लास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हमारी लगेगी और ये बहुत ही स्मॉल सा चैप्टर है, उसमें खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख लो, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव ओवन में टू कुक द फूड दे आर यूज, इंफ्रारेड रेज रिमोट कंट्रोल में यूज होती हैं जिनके अंदर हीटिंग इफेक्ट होता है, लाइट वेव्स ये तो हमारी विजिबल लाइट होती होती है, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज जो हमारा जो एक्वागार्ड जो आरओ सिस्टम है वाटर प्योरीफाइंग सिस्टम उसमें यूज होती हैं, और सन से भी एमिट होती हैं, ओजन लेयर में ट्रैप हो जाती हैं, एक्स रेज टूथ पेन में, गामा रेज कैंसर के ट्रीटमेंट में, न्यूक्लियर रिएक्शंस में। सो इस तरह से इन टुडेज क्लास आई हैव गिवन यू द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई आल्सो एक्सप्लेन्ड यू देर इज अ सेट ऑफ फोर इक्वेशंस, मैक्सवेल इक्वेशंस एंड द कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। सो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।